All right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of mine. My name is Tiger Cole and I hope you all are doing absolutely perfectly jackass in your life. आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है टेक्निकल टाइगर की इस सीरीज में. और एक और बात, ये मेरे को इंस्टाग्राम पे अगेन रिक्वेस्टेड था, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज ये वीडियो भी बना दीजिए. इस वीडियो के माध्यम से हम काफी चीजों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, काफी डाउट्स को, प्रश्नों को जो हमारे मस्तिष्क में है इसकी परचेज से पहले, इसकी शॉपिंग से पहले, वो क्लियर आउट करना चाहते हैं. तो सब्जेक्ट लाइन से वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये टेल बैग वर्सेस सैडल बैग्स है, राइट. अभी जो लगेज सिस्टम होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें हार्ड लगेज सिस्टम आता है और सॉफ्ट लगेज सिस्टम आता है. हार्ड लगेज सिस्टम क्या होता है? हार्ड लगेज सिस्टम वो होता है जो एल्युमिनियम बेस्ड पैनियर्स आपने देखे होंगे, डब्बे देखे होंगे बाइक के साइड्स में और टॉप में लगे होते हैं, ठीक है. आप लोगों ने वो बड़ी बड़ी एडवेंचर टूरिंग बाइक्स में देखे होंगे, जैसे वी स्टॉर्म 650, टाइगर 800, 900 और उसके बाद बीएमडब्ल्यू की जीएस वर्सेस इन सब ब्ला 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 बड़ी बाइक्स में देखे होंगे. और आजकल काफी छोटी छोटी कंपनीज भी आ रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो हिमालयन जैसी बाइक्स, केटीएम एडवेंचर जैसी बाइक्स में भी, जो लो एंड वेजिटेटेड बाइक्स हैं उन पे भी हार्ड लगेज सिस्टम बनाते हैं. थोड़े बहुत एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसमें होते हैं क्योंकि उसमें वन की रिलीज सिस्टम नहीं आता है, बट उसमें वो फिक्स रहता है छोटे वालों में, बट ठीक है, मोर और लेस काम सेम करते हैं. और उसके बाद जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है सॉफ्ट लगेज सिस्टम का. सॉफ्ट लगेज सिस्टम में क्या आता है? सैडल बैग्स आते हैं, टेल बैग्स आते हैं, टैंक बैग्स आते हैं, ठीक है. आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम सॉफ्ट लगेज के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, यूजिबिलिटी कितनी है और प्राइसेस को भी हम कवर करेंगे. सॉफ्ट लगेज कुछ ऐसे दिखते हैं. अभी ये जो मेरे पास है ये सैडल बैग है, ठीक है, सैडल बैग. और हम टेल बैग्स की बात करेंगे. ये दोनों बाइक के रेयर में प्लेस होते हैं. टेल बैग बाइक के पिलियन सीट पर जाता है. जो सैडल बैग होता है वो बाइक के पिलियन के साइड्स में जाता है, सेम लाइक पैनियर्स, ठीक है. इनका हम इंस्टॉलेशन भी देखेंगे, मैं इंस्टॉलेशन भी इसमें कवर करूंगा ताकि इंस्टॉलेशन के बेसिस पे मैं आपको इसके यूजिबिलिटी और यूजर फ्रेंडली कितना रहता है ये ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स, वो भी मैं आपको समझा पाऊं. तो हमारे पास है नॉर्मल इकोनॉमिकल गाड़ी जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं इंडिया में, तो हम उसी पे टेस्ट करेंगे, वी स्टॉप पे नहीं करेंगे क्योंकि वी स्टॉप पे बहुत इजी होगा. सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, डिस्टर्बेंस होगा बैकग्राउंड में, इग्नोर कीजिएगा. सबसे पहली जो ध्यान में बात रखनी है, चाहे वो सैडल बैग हो या टेल बैग, जो भी इसके रिफ्लेक्टिव्स होते हैं बैग के ऐसे वाले, वो आपको हमेशा पीछे की तरफ रखने हैं. जैसे बाइक का पिछवाड़ा ये है, तो ध्यान रखना कि गाड़ी ना उड़ा के ले जाए. तो ये आपको रिफ्लेक्टिव्स ऐसे बैक साइड पर रखने हैं. अभी ये जो वाइटेरा का टेल बैग है, इसमें आपको डीरिंग सिस्टम मिलता है फास्टनिंग का. ब्रांड टू ब्रांड ये चेंज होता है. अभी ये पिछला वाला डीरिंग है जिसको आप ऐसे किसी भी तरीके से मोल्ड कर लीजिए अपने हिसाब से, आप जैसा बांधना चाहते हैं. इसको ऐसे लेकर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डीरिंग, आई होप आप लोगों को आता होगा. यहाँ पैसे ले लीजिए, मैं ऐसे ही नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, तरीका कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे. ये ऐसे करके आप इसको टाइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. ये एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूँ. और सिमिलर वे में आपको इसको, आपको डीरिंग यहाँ पे बैक साइड पे भी मिलता है, ठीक है. आप इसको भी कहीं से भी टाई कर सकते हो सेम वे में, ठीक है. उसके बाद आपको इसमें ये वाले बैग को और अच्छी शेप में रखने के लिए आप
ये कुछ इस तरीके का लगेगा जब आप इसको माउंट कर लोगे। अभी इसका एक ड्रॉबैक भी मैं अभी दिखा देता हूँ। जब ये बैग सपोज कीजिए फुल्ली लोडेड होगा, ऐसा होगा, ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मेरे को लगता है कि आप नॉर्मल वे में ऐसे चढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। आपको कैसे चढ़ना पड़ेगा, ऐसे करके, या आपके जो फुटपैक पे है उस पे ऐसे चढ़ के। तो देख रहे हो मैं फुटपैक पे प्रेशर डाल रहा हूँ तो बाइक पलट रही है, तो फिर मेरे को ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा, समझ गए। अब सैडल बैग देखते हैं। तो सेम तरीका जैसे मैं टेल बैग में बता रहा था, रिफ्लेक्टिव पार्ट पीछे रखना है। वो क्यों रखना होता है, ताकि वो रात में विजिबिलिटी दे आपकी बाइक को। तो ये अभी हमने सैडल बैग कुछ ऐसा लगाया है, इसका भी वही तरीका है, आप अपने हिसाब से इसको फासन कर सकते हो। ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या है, आपकी जो रेयर सीट है ब्लॉक नहीं होगी, इसमें पिलियन भी बैठ सकता है। टेल बैग जब इसके ऊपर होगा तो आप सिंगल राइडर ही यूज़ कर सकता है बाइक को। प्लस जो मैं आपको बता रहा था, इसमें आप इजीली ऐसे बैठ सकते हो, जो आप टेल बैग में नहीं बैठ सकते हो। टेल बैग में आपको ऐसे करके बैठना है, जो तकलीफ हो जाती है लॉन्ग रन में। बाकी की बातें अंदर करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। घुसा दे, अंदर घुसा दे। अगर शोर आपको थोड़ा बहुत मिला होगा क्योंकि मेन रोड पे अपना स्टोर है। कोशिश की थी मैंने आपको छोटा सा आइडिया देने की, प्रॉपर देखिए सेटअप कुछ है नहीं खास। डेरिंग्स मिलते हैं, कॉर्ड्स मिलते हैं, आपको अपने हिसाब से पीछे से टाइट करना है। खाली जो एक चीज मध्य नजर में रखनी है आपको इंस्टॉलेशन के टाइम, जो मैंने आपको दोनों टाइम रिपीट की, तीसरी टाइम फिर से बताता हूँ, जो रिफ्लेक्टिव पार्ट है सैडल का, टेल का, या जो भी आप लगा रहे हैं, उसको हमेशा आपको रेयर पीछे वाली व्यू में रखना है। क्यों रखना है, ताकि जब आप रात में या थोड़ी सी शाम में या लो लाइट में जब आप करें तो वो रिफ्लेक्टिव अपना काम करें। कैसे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, और आपकी जो बाइक का विड्थ है पीछे से आने वाली गाड़ी को लाइट रिफ्लेक्ट करके बताएंगे, आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। आपको सैडल बैग यूज करना चाहिए या आपको टेल बैग यूज करना चाहिए, कुछ नफे हैं कुछ नुकसान है इसके, वो मैं आपको बता देता हूँ जो मेजरली मुझे लगता है। जैसे आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेल बैग तभी आप यूज कर पाओगे अगर आपकी रेयर पे कोई बैठने नहीं वाला है, मतलब आप पिलियन के साथ नहीं है, मतलब आप अकेले राइड पे जा रहे हैं। सैडल बैग आप अकेले हैं या दुकेले हैं आप यूज कर सकते हैं। सैडल बैग में रेयर पे बैठने वाले का, पिलियन के बैठने वाले का भी कंफर्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो, वापर सकते हो। जो मेरे को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, आपका मूवमेंट, आपका कंफर्ट, आपका यूजेबिलिटी। जैसा मैं आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी बता रहा था कि जब आपने टेल बैग लगाया तो आपको बाइक के ऊपर बहुत दिक्कत होती है बैठने में। पहले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइड अगर लंबी चली जहां पे आप पूरी राइडिंग गियर्स के साथ लैस हैं, जूतों के साथ, राइडिंग पैंट्स के साथ हो आप राइड पे, उस केस में आपके लिए खासा मुश्किल और दिक्कत वाला काम हो जाता है आपको पांव ऊपर से सीट के ऊपर ले जाना, और उतरने के टाइम पे भी सेम, ठीक है। वेयर है सैडल बैग में आप सीधे से स्विंग कर सकते हो आपकी टांग को और ऊपर रख सकते हो। ये किन बाइकों में होगा दिक्कत, जो छोटी बाइक्स हैं, अपाचे की 150-250 सीसी वाली बाइक जो है, डोमिनार 400 सीसी वाली, महिंद्रा मोजो 300 सीसी वाली, केटीएम ले लो, उन सब केसेस में। जो बड़ी बड़ी बाइक्स हैं एडीवी टाइप्स में है, जैसे वर्सेस, वी स्टॉर्म, या केटीएम एडवेंचर ले लो, एडवेंचर कैटेगरी की बाइक बात कर रहा हूँ मैं, वो है, उनमें कैसा होता है कि आपको फुटपैक के ऊपर प्लेस करना है आपका लेफ्ट पाँव, और राइट को ईजिली आप स्विंग कर सकते हो, तो उस केस में आप टेल बैग भी ईजिली मैनेज कर सकते हो यूज कर, ठीक है। जो टेल बैग होता है उसमें आप एक्सेसिबिलिटी इजीली कर सकते हो आपके लगेज की, मतलब आप उतरे, जिप खोला, फ्लैप उठाया, जो भी आपको सामान लेना है निकाला, जिप कर दिया। वेयर एज जो सैडल बैग्स है उसको आपको प्रॉपरली बंद करना पड़ता है, ऊपर के फ्लैप्स को भी आपको वो उठाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो वहां पे थोड़ा सा परेशानी। मेरा एक्सपीरियंस अब इसमें मैं एड ऑन करना चाहूंगा,
जो टेल बैग है, टेल बैग गाड़ी के वेट को काफी हद तक डिसप्रोपोर्शनेट कर देता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है बहुत लोग जो यूज कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हो, वो लोग भी मेरे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है जो मैं बताने वाला हूं, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। अभी पॉइंट ये था मेरा कि जब आप टेल बैग में सामान माउंट डाल के उसको माउंट कर देते हो रेयर में आपकी बाइक के, डाउन हिल चला रहे हो तो थोड़ा सा आपको प्रेशर लगेगा, स्पीड भगा रहे हो तो आपको हैंडल में थोड़ा सा स्टेबिलिटी इश्यूज होंगे। मैंने कश्मीर राइड पे ये एक्सपीरियंस किया था, जब मैंने बॉम्बे से कश्मीर मारा था, तब हल्का हल्का मेरे को फिशटेलिंग वॉगलिंग जैसा एक्सपीरियंस हुआ था, जो फर्स्ट टाइम था। सैडल बैग्स में क्या होता है कि सैडल बैग्स में डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, खाली आपका बाइक का थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है जो मैनेजेबल है, जब तक कि वो हैंडल के लेंथ के अंदर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है आपको मनूवर करने में भी, ठीक है। और इसी से टॉपिक आया है, तो थोड़ा सा कुछ 50-60 किलोमीटर में जब आप सैडल बैग लगाते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया बिठाना पड़ता है आपकी बाइक को कहां से निकाल सकते हो, आप ट्रैफिक में कितना इजीली मनूवर कर सकते हो, जबकि वो उतनी बड़ी बात नहीं है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो दोनों ही बहुत सही है, बेहतरीन है, आप अपनी यूजिबिलिटी और फिजिबिलिटी और आपके कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि टेल बैग में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आती हैं और क्या प्लस है। प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही लगा मुझे कि आप उसमें सामान उतार सामान निकाल जल्दी सकते हो, एक्सेस जल्दी कर सकते हो। वेरा सैडल बैग के बहुत ही है जो मैंने बता दिए हैं, ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि फिर कमेंट्स में आते हैं टाइगर भाई आप बहुत ज्यादा बोलते हो, इसलिए ना मैं इस वीडियो में थोड़ा सा टोन पे भी काम कर रहा हूं कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, चाहे वो फास्ट फॉरवर्ड में हो या सीधा डायरेक्ट लास्ट में स्किप कर दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपके राइडिंग ग्रुप्स हैं जो ये लद्दाख जाने की तैयारी में है, या फिर कोई भी शॉर्ट और लॉन्ग राइड के लिए प्लान कर रहे हैं, लद्दाख ही जाना जरूरी नहीं है, कर रहे हैं, तो आप बेझिझक उनसे जरूर शेयर कीजिए। मेरे को आपका कीमती फीडबैक, अनमोल फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि मेरे को किए गए थे तो उन टॉपिक्स को लेकर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। With that, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to stay sexy, boys. Take care of your parents, especially mom. I'll see you soon in next vlog. Till then, peace out.